नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। यूँ तो पान, सुपारी, मुखवास सब मिल जाते हैं मार्केट में अच्छे से अच्छे, पर घर के बने की बात ही कुछ है। बहुत ही बढ़िया, बिना केमिकल डाले लॉन्ग टाइम उसे रखें और बहुत ही बढ़िया, जो खाए आपकी तारीफ करता जाए। ये देखिए, ये पान के पत्ते हैं, आप मार्केट में ले सकते हैं, आराम से मिल जाते हैं, इसे मीठे पान बोलते हैं। तो इसकी इस तरीके से यहाँ बीज का पार्ट जो है काफ़ी हद तक निकाल दें। ये पान के पत्ते को पानी में डालते जाएं। हर एक पान को अच्छे से धोने के बाद इसे साफ कपड़े से पोंछ लें। जो भी डस्ट हो वो हटा दें और इसे इस तरीके से काट कर फोल्ड करके ऐसे बारीक काट लें। इसी तरीके से सारे पान तैयार करें। करीब मेरे पास 15 पान हैं, जितने बारीक होंगे उतना अच्छा है। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें लेते हैं मार्केट से, तो कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो कंप्यूटराइज बनती हैं, मशीनों से बनती हैं, लेकिन कई चीज़ों में वो मार्केट वाले में बोलते हैं ना कि ये घर की बनी हुई है या होममेड है, तो उसका सुन के ही उसका रेट बढ़ जाता है। तो यूँ समझिए, ये जब हम घर में बनाते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसका टेस्ट, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खाने वाला भी बहुत पसंद करेगा। आप इसे बनाएंगे और बार बार बनाते रहेंगे। ये मैं करीब जैसे इतना बना रही हूँ कि आप 1 मंथ के लिए आप रख दें और फिर वापस बनाएं। और क्योंकि पान को जितना आप थोड़ा सुखाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अभी मैं थोड़ा ताज़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रखने वाली नहीं हूँ। अगर इसे सुखाना हो पान को तो इस तरीके से सुखा सकते हैं। ये देखिए, मैंने रात भर इसे पेपर पर रख दिया था और ये पंखे की हवा में इस तरीके से सूख गया। और यदि चाहें तो आप माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए इसे रख सकते हैं, तो उससे भी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं अभी आज ताजे का बनाऊंगी। इसी तरीके से मैं सारे काट लेती हूँ। इस मुखवास में हम तरबूज के बीज भी डालेंगे, आप खरबूजे के भी डाल सकते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, जिससे इनका क्रंच और बढ़ेगा, खाने में अच्छा लगेगा। और साफ भी कर लीजिए, अगर कोई दाना डार्क कलर का हो तो उसे हटा दीजिए। कोई भी सीड्स हो, बहुत हेल्दी होते हैं, उन्हें खाना चाहिए। ये देखिए, चटकने की आवाज़ आ रही है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये फूल से गए हैं। अब हम सौंफ डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून बारीक वाली सौंफ। इसे भी हल्का सा, इसे और कम टाइम के लिए सेकेंगे, इसे थोड़ा सुखाने के लिए। डालते ही एक बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब ये है, इसको धना दाल बोलते हैं, ये भी 3 टेबलस्पून है, इसे भी हल्का सा सेक लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी मैं अभी आपको बताऊंगी। इजी है, बहुत हर जगह मिल जाएगी, गाँव हो, शहर हो, मेट्रो हो, हर जगह मिल जाएगी। इसे थोड़ा साफ भी ज़रूर कीजिए, बस इसके लिए भी गैस बंद कर देते, इसी गर्म पैन में ये सिक जाएगा। ये पान के पत्ते हैं जिन्हें हमने काट लिया है और कपड़े से सुखा दिया है। यहाँ पर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून, 2.5 से 3 टेबलस्पून गुलकंद। ये है सल्ली सुपारी, इसको बोलते हैं सल्ली सुपारी, ये भी करीब 2 से 2.5 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून ये है कलरफुल चेरीज, 2 टेबलस्पून मीठी सौंफ, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसे बोलते हैं पान की चटनी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा होता है, इसमें मिंट का फ्लेवर होता है, तो इसको हमने 1/2 से 1.25 चम्मच डाल दिया है। अब ये भी ठंडे हो चुके हैं, धना दाल, सौंफ और
तरबूज के बीज, ये सारी चीज़ों को इसमें डाल देते हैं, इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। कई बार घर में छोटा मोटा फंक्शन होता है, किटी पार्टी होती है, ताज़ा आप मुखवास बनाते हो, सब खाकर आपकी तारीफ करेंगे। और बहुत ही इजी है। अब बात है ये सब कहाँ मिलेगी। यूँ तो सब लोग कहते हैं कि पान की दुकान पे मिलेगा, पर ये गलत है। पान की दुकान वाले कभी भी नहीं देंगे। ये मिलेगा आपको, मतलब पान की दुकान वाले से पूछना पड़ेगा कि ये सारा सामान आप कहाँ से लेते हैं, तो वो एक जगह बताएंगे जहाँ पर पान के पत्ते भी मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ मिलेगी। हर जगह अलग अलग होती है। जैसे पान के दुकान पे होता सभी कुछ है, लेकिन वो लोग अपनी चीज़ें ये देते नहीं हैं, तो वो भी जहाँ से लाते हैं, बस वो बहुत ही इजी तरीका है, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसे अगर आपने पान के पत्तों को बिल्कुल ड्राई किया था इस तरीके से, तो आप इसको 1 मंथ के लिए आराम से रख सकते हैं। अभी मेरे पास जो पान के पत्ते बिल्कुल ताज़े हैं, तो इसे हम 1 वीक तक इंजॉय कर सकते हैं। इसमें चाहे तो थोड़ा फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून के आसपास रोज़ वाटर डाल सकते हैं। ये लीजिए, तैयार हो गया मुखवास। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप किसी कांच के जार में भर के रख सकते हैं या चीनी मिट्टी के जार में भी रख सकते हैं। और इसकी कीमत बहुत कम है, मतलब आप मार्केट से लाएंगे करीब 4 गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। बहुत कम कीमत है और इजीली मिल जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। तो कैसा लगा आपको एक सुंदर सा दिखने वाला और बहुत ही टेस्टी फटाफट बनने वाला माउथ फ्रेशनर, जो खाने के बाद इसका ज़रूर ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसे आप ज़रूर बनाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।